नमस्कार सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल यानी 2023 अपने आप में कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, लेकिन इस वर्ष का महत्व इस नाते ज़्यादा है कि यह अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों और उसकी प्रतीक्षा का वर्ष है। इस पूरे साल चाहे राजनीतिक घटनाक्रम हो या आर्थिक गतिविधियां हो या कूटनीतिक गतिविधियां हो, वो सब इस अंदाज में होंगी जिनसे 2024 की राजनीति या 2024 की दशा दिशा तय होनी है। 2023 अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका महत्व इस बात से ज़्यादा बढ़ जाता है कि अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और सारी तैयारी चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो जो सत्तारूढ़ दल है केंद्र में, या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की बात हो, या देश की तमाम जो दूसरी प्रादेशिक पार्टियां हैं, सबकी तैयारी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के हिसाब से होगी। इस साल जो चुनाव होने हैं वो सारे चुनाव भी इस नाते अहम हैं क्योंकि उनके नतीजों के आधार पर अगले साल के चुनाव की एक तस्वीर बनेगी, उसका एक अनुमान लगाया जाएगा। हालांकि आमतौर पर राज्यों के चुनाव से लोकसभा चुनाव के नतीजों का आकलन करना हमेशा अच्छा नहीं होता है, मतलब एक उसके गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसके बावजूद एक अंदाज़ा होता है, एक अनुमान होता है, एक तस्वीर बनती है। तो इस साल जो घटनाएं हैं उनसे कैसे पता चलता है कि अगला साल अपनी ये साल तैयारियों का है या प्रतीक्षा का है, वो चार घटनाक्रम से या चार चीज़ों से समझी उस बात को समझा जा सकता है। जो सबसे बड़ी बात है वो और सबसे पहली बात है वो ये है कि इस साल 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। वैसे तो देश में हर साल चुनाव होते रहते हैं, लेकिन कोई वर्ष ऐसा नहीं होता है जिस वर्ष एक साथ इतने चुनाव हों और इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उनका विस्तार हो। इस साल पूर्वोत्तर में चुनाव हैं, वहीं से साल की शुरुआत होगी। अगले महीने फरवरी और उसके बाद मार्च में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल पूरा हो रहा है, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। इन तीनों राज्यों में फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं। उसके बाद मई में कर्नाटक का चुनाव होना है और अगर सब ठीक रहा तो जम्मू कश्मीर में भी मई में ही चुनाव होगा और उसके बाद तेलंगाना का चुनाव होगा और फिर उत्तर और मध्य भारत के 3 बड़े राज्यों में चुनाव होगा जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है और इनके साथ ही मिजोरम का भी विधानसभा चुनाव होगा। तो इस तरह से पूर्वोत्तर से लेकर के और सुदूर दक्षिण तक, तेलंगाना और कर्नाटक तक और जम्मू कश्मीर से लेकर के और झारखंड छत्तीसगढ़ तक, तो ये पूरे लगभग पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र में इस साल चुनाव होने हैं विधानसभा के। और इसमें कांग्रेस के भी शासन वाले 2 राज्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले भी राज्य हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के शासन वाले भी राज्य हैं, मतलब हर तरह से अगर राजनीतिक तरीके से देखें तब भी विविधता है, भौगोलिक तरीके से देखें तब भी विविधता है। तो इसलिए इन 10 राज्यों के चुनाव से एक मोटे तौर पर अंदाजा लगेगा कि अगले साल लोकसभा चुनाव में क्या होना है। हालांकि इसके पहले जो हुआ था, इसके पहले जब 2018 में इन राज्यों में चुनाव हुए थे और खासतौर से जो 3 राज्यों की बात करें, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो तीनों जगह कांग्रेस पार्टी जीती थी, लेकिन उसके ठीक बाद लोकसभा के चुनाव में तीनों जगह कांग्रेस बुरी तरह से हारी। विधानसभा तीनों राज्यों का जीत करके सरकार बनाने वाली कांग्रेस पार्टी इन 3 राज्यों में लोकसभा की सिर्फ 3 सीट जीत सकी थी। इन 3 राज्यों में लोकसभा की 65 सीटें हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और उन 65 में से कांग्रेस को सिर्फ 3 सीट मिली थी, 62 सीटें बीजेपी ने जीती थी जो विधानसभा चुनाव में हार गई थी। तो इसलिए कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकलेगा इन 10 राज्यों के चुनाव नतीजों से, कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकलेगा, लेकिन एक अंदाजा लगेगा, एक हवा का जो रुख भांपने में मदद मिलेगी और उससे लगेगा कि क्या किस तरह की तैयारी बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है और किस तरह की तैयारी उनको करनी चाहिए है 2024 के लिए। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि पिछले 8 साल में जो डोमिनेंस है बीजेपी का, जो एक तरह से प्रभुत्व है भारत की राजनीति पर बीजेपी का, उसका भी कुछ अंदाजा लगेगा कि वो प्रभुत्व बना रहता है या उसमें कुछ कमी आती है। एक चेहरे का समूचा नैरेटिव पिछले 8-10 साल की राजनीति का समूचा नैरेटिव जो है एक चेहरे पर है, एक पार्टी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नगर निगम से लेकर के और लोकसभा चुनाव तक बीजेपी को लड़वाते हैं, उन्हीं के चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ती है और जो बीजेपी जो नैरेटिव जो विमर्श तय करती है उसी विमर्श पर, उसी नैरेटिव पर राजनीति होती है, चुनाव होता है। तो वो अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का ही नैरेटिव चलेगा और नरेंद्र मोदी का करिश्मा उस समय काम आएगा, इसका कुछ अंदाजा इस साल जो 10 राज्यों के चुनाव होंगे उनमें लगेगा।
तो ये इस नाते भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक और इस साल के चुनाव में एक महत्व की बात ये भी है कि ये जो तीन राज्य मैंने पहले बताए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इसमें से दो राज्य ऐसे हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां बीजेपी के पास बहुत मजबूत छत्रप नेता हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया हैं और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हैं और कर्नाटक में बीएस येदुरप्पा हैं। ये तीनों नेता नरेंद्र मोदी के लगभग समकालीन हैं। नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान उसके थोड़े दिन के बाद अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री बने। तो इन्होंने साथ साथ राजनीति की है और इनके करिश्मे पर, इनके चेहरे पर भी बीजेपी चुनाव जीतती रही है राज्यों में। जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हर जगह जीतती है, उस तरह से इनके चेहरे पर भी जीतती रही है। और बीएस येदुरप्पा का चमत्कार, उनका करिश्मा तो और भी बड़ा रहा है क्योंकि वो पहले छत्रप हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में बीजेपी की सरकार बनवाई। एक विधायक से लेकर के एक समय ऐसा था जब एसआर बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री होते थे और बीजेपी सिर्फ एक सीट जीती थी विधानसभा की, वो इकलौते विधायक बीएस येदुरप्पा थे और वहां से बीएस येदुरप्पा ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया। पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी, वो मुख्यमंत्री बने। और अब एक दिलचस्प संयोग ये भी है कि जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इकलौते विधायक येदुरप्पा होते थे, उसी मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के बेटे अभी बसवराज बोम्मई बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में येदुरप्पा जैसा बड़ा छत्रप है बीजेपी के पास। तो इन छत्रपों की भी क्या आगे की राजनीति है या इनका क्या वर्चस्व है राजनीति में, इनका प्रभुत्व अपने अपने राज्य में किस तरह का है, वो भी इस बार पता चलेगा। वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान और बीएस येदुरप्पा का। तो इस नाते भी एक राजनीतिक नजरिए से अगर इन 10 राज्यों के चुनाव को देखें तो इससे पता चलेगा ये इन राज्यों के चुनाव की तैयारी अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से होगी और इन राज्यों के नतीजे किसी न किसी तरह से एक अनुमान लगाने में, एक धारणा बनाने में मदद करेंगे अगले लोकसभा चुनाव को लेकर के। इसी राजनीति से जुड़ी हुई एक खास बात जो है वो एक घटनाक्रम है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, जिसका समापन 30 जनवरी को होगा। संभवतः 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर श्रीनगर में राहुल गांधी की यात्रा समाप्त होगी। तो राहुल गांधी, जैसा कि अभी शिवसेना के मुखपत्र सामना में उसके सांसद संजय राउत ने अपना एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का एक प्रभा मंडल बना है और अगर वो प्रभा मंडल बना रहता है, उनका ऑरा कायम रहता है इस साल भी, तो पावर बैलेंस बदलेगा। तो ये भी एक देखने की बात होगी नए साल में 2023 के वर्ष में कि राहुल गांधी ने जो ऑरा बनाया है अपनी भारत जोड़ो यात्रा से, वो प्रभा मंडल कैसे कायम रहता है। और अगर वो कायम रहता है तो अपोजिशन की राजनीति क्या स्टेप लेती है 2024 के लिए, वो भी इस साल के लिए कोई उसका मतलब नहीं है, 2024 के लिए क्या आकार लेती है विपक्ष की राजनीति, वो राहुल गांधी का कैसा प्रभामंडल बना रहता है उस पर निर्भर करेगा। और उसमें एक बड़ी भूमिका इन 10 राज्यों के चुनावों की होगी। इन 10 राज्यों में एक खास नजरिए से देखें, जो पॉलिटिक्स, जो नैरेटिव हिंदू हित का बीजेपी सेट करती है, उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराती है और अपने जो उसकी रणनीति है, जो उसकी योजना है, अगर वो हिंदू मुख्यमंत्री बनाती है जम्मू कश्मीर में, तो 2024 की राजनीति का वो एक टर्निंग पॉइंट होगा। तो ये मोटे तौर पर तीन बातें हैं जो राजनीति से जुड़ी हैं कि 10 राज्यों के चुनाव, उन 10 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के क्षत्रपों की भूमिका, बीजेपी के नैरेटिव का रोल जो अगले चुनाव के हिसाब से कैसा रहता है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, उसका इम्पैक्ट, उसका क्या असर होता है कांग्रेस को, वो उसके आधार पर वो कितनी सीटें जीता पाते हैं, कितने राज्य जीता पाते हैं, और जम्मू कश्मीर का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव होता है और उसमें फिर कौन मुख्यमंत्री बनता है। इस राजनीतिक उससे अलग हटें तो एक बड़ा कूटनीतिक घटनाक्रम इस साल होना है 2023 में, G20 का सम्मेलन भारत में होना है, भारत उसका अध्यक्ष है और सितंबर में इसकी बैठक होनी है, सालाना बैठक नई दिल्ली में होनी है, उसकी तैयारी चल रही है। और उस सितंबर में सालाना बैठक से पहले पूरे देश में G20 से जुड़ी कोई 200 बैठकें होनी हैं, अलग अलग मंत्रालयों की, अलग अलग विभागों की, जो अलग अलग एजेंसीज होती हैं, मॉनिटरी एजेंसीज, बैंकिंग एजेंसीज, इन सब की बैठकें होंगी भारत में अलग अलग राज्यों में और वो अभी से लगातार चलती रहेंगी सितंबर तक। उसकी बड़ी तैयारी हो रही है, भारत सरकार हर राज्य को इसके लिए अलग से फंड दे रही है, राजधानी दिल्ली का कायाकल्प करने की कोशिश हो रही है, सड़कों सहित तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जा रहा है, रंग रोगन हो रहा है, साफ सफाई हो रही है, झुग्गियों को ढका जाएगा या हटाया जाएगा और सड़क पर सोने वाले हजारों लोगों को मुख्य शहर से शिफ्ट करके कहीं दूसरी जगह ले जाया जाएगा। ये सारा घटनाक्रम अभी होगा अगली से सितंबर तक और उसमें सबसे बड़ी कोशिश होगी भारत की कि जिस तरह से पिछले मेजबान इंडोनेशिया में जब सालाना सम्मेलन हुआ तो दुनिया के तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे, G20 के जो
जो प्रमुख हैं वो सारे लोग पहुंचे, जो बाइडेन पहुंचे, अमेरिकी राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे, तमाम और जापान के प्रधानमंत्री और ये सभी, कनाडा और तमाम जो बड़े देश हैं उन सब के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इंडोनेशिया पहुंचे थे। तो भारत की भी कोशिश होगी कि इस साल जब भारत की मेजबानी में सितंबर में बैठक हो तो वो एक ग्रैंड इवेंट हो, एक मेगा इवेंट हो जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी आएँ और चीन के राष्ट्रपति भी आएँ और अगर संभव हो तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी उसमें बुलाया जाए, जो कि अभी यूक्रेन युद्ध की वजह से एक तरह अछूत बनते जा रहे हैं, और उसमें फिर तमाम दुनिया के बड़े देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हो वो मौजूद रहें। उससे एक नैरेटिव सेट होगा, सेट क्या होगा, मजबूत होगा, अगले चुनाव में उसका फायदा मिलेगा। जो बीजेपी ने और ये तमाम उसका जो प्रचार तंत्र है उसने एक जो ये माहौल या धारणा बनाई हुई है कि भारत विश्वगुरु हो रहा है या विश्वगुरु हो गया, दुनिया भारत की बात ज़्यादा ध्यान से सुनती है और दुनिया का जो एजेंडा होता है वो भारत बनाता है, भारत तय करता है, उस नैरेटिव को बल मिलेगा G20 के सालाना सम्मेलन से और उसके पहले जो 200 मीटिंग्स होंगी उन सब से भी। तो ये भी एक तरह से 2024 की तैयारियों का वर्ष, G20 की जो तैयारी हो रही है वो एक तरह से 2024 में होने वाले जो सबसे बड़ा जो चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव, आम चुनाव, उसकी तैयारियां भी उसमें देखी जा सकती हैं। तो इस लिहाज से भी ये तैयारियों का वर्ष है, प्रतीक्षा का वर्ष है 2024 के। और जो आखिरी बात है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बात है। पूरी दुनिया इस समय आर्थिक मंदी की राह देख रही है। अब मंदी की राह तो क्या देखे, मतलब मंदी तो एक डराने वाली चीज़ है और हर आम आदमी के जीवन को बहुत नेगेटिव तरीके से प्रभावित करने वाली चीज़ है, लेकिन बड़ी आशंका के साथ पूरी दुनिया उसका इंतजार कर रही है, उसका उसकी राह देख रही है। ये माना जा रहा है कि 2023 मंदी का साल होगा और दुनिया के सारे बड़े देश इसकी चपेट में आएंगे, इसकी गिरफ्त में आएंगे, और ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसी तमाम संस्थाओं ने इसकी भविष्यवाणी की, इसकी आशंका जताई हुई है, और सबने ये भी कहा हुआ है कि भारत उससे बहुत कम प्रभावित होगा, सबसे कम प्रभावित होने वाले बड़े देशों में भारत होगा। और उसका कारण भारत की अपनी इकोनॉमी है, जो भारत की इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो भारत का की इकोनॉमी का असंगठित ढांचा है, या जो भारत के लोगों की स्मॉल सेविंग्स हैं, या जो भारत के लोगों की का उपभोग आधारित जो अर्थव्यवस्था है, भारत की कंज्यूमर जो कंजम्पशन बेस्ड जो इकोनॉमी है, उसकी वजह से भारत बहुत कम अफेक्टेड होगा उस आर्थिक मंदी से। इसके बावजूद चूंकि भारत कोरोना के 2 साल में और उसके बाद यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से एक बड़ा संकट झेलता रहा है, अर्थव्यवस्था में एक बड़ा संकट रहा है और हर आम आदमी ने उसको फील किया है, और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि 2016 की नोटबंदी के बाद से ही जो अर्थव्यवस्था में गिरावट शुरू हुई थी वो अभी चली रही थी, ऐसे में आर्थिक मंदी अगर कम भी असर डालती है तो उसका इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है अगर सरकार उसकी तैयारी नहीं करती है। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए ये जरूरी है कि 2023 में अर्थव्यवस्था ठीक रहे, आम आदमी को उसका पेन, उसका दर्द, उसकी तकलीफें न झेलनी पड़े। ये अगर ठीक रहता है तो 24 में सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। और ये संयोग भी है, इस जो प्रधानमंत्री अपने को नसीब वाला कहते हैं, एक उनका नसीब है, उनकी किस्मत भी है, ये कुछ संयोग भी है कि अर्थव्यवस्था साल का आखिर में आते आते सुधरने लगी है। जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगता था कि कितना खाली हो गया, 100 अरब डॉलर से ज़्यादा उसमें कमी आ गई थी, जो 642 अरब डॉलर का भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था इस साल के शुरू में, वो अक्टूबर में गिर करके 524 अरब डॉलर तक आ गया था, लेकिन उसके बाद सुधार हुआ है, वीकली सुधार होता गया है और दिसंबर अंत आते आते वो 562 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो गिर के अक्टूबर में 524 अरब डॉलर हो गया था। तो भारत की विदेशी मुद्रा में सुधार शुरू हो गया है, जो रुपए के लगातार गिरने की दर थी, जो स्लाइडिंग था रुपए का डॉलर के मुकाबले, वो आकर के ठहर गया है, हालांकि वो बहुत हाई है, 82-83 रुपए का एक डॉलर है, लेकिन वो आकर के उसी पर रुका हुआ है। शेयर बाजार को जो झटके लगे थे वो पिछले हफ्ते सुधरे हैं और अब एक उम्मीद की जा रही है कि नए साल में वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर के और स्थिर रहेगा या उसमें सुधार होगा। इसी तरह से जो भारत का महंगाई की दर है भारत में, वो लगातार बहुत ऊँची थी, थोक महंगाई दर कई महीनों तक डबल डिजिट में थी, और खुदरा महंगाई दर भी जो थी वो रिजर्व बैंक की ओर से तय की गई अधिकतम 6% की सीमा से ऊपर थी। अभी ये दोनों नीचे आ गए हैं 6% के। खुदरा महंगाई दर घटके और कई महीनों के बाद रिजर्व बैंक की जो कंफर्टेबल सीमा है 6% की, उससे नीचे आई है। तो महंगाई एक तरह से जो है वो थोड़ी बहुत कंट्रोल में आई है। कंट्रोल में आने का मतलब ये है कि जो महंगाई बढ़ने की दर थी वो स्थिर हो गई है या वो कम हो रही है। महंगाई नहीं कम हो रही है, लेकिन महंगाई बढ़ने की दर जो थी वो स्थिर हो गई है।
और इस बीच भारत सरकार ने, जो भारत सरकार का अपने चालू खाते का घाटा बढ़ रहा था, तो उसको जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है उसको कम करने के लिए एक बड़ा स्मार्ट मूव सरकार ने किया। वो मूव है कि उसने जो मुफ्त और सस्ती अनाज की दो योजनाएं साथ साथ चल रही थी, जो एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा था और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो 5 किलो अनाज दिया जा रहा था, इन दोनों योजनाओं को मिला करके एक नई योजना बनाई है। और इस नई योजना के तहत अब सिर्फ 5 किलो अनाज मिलेगा देश के 81.35 करोड़ लोगों को, सिर्फ 5 किलो अनाज मिलेगा। पहले उनको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5 किलो अनाज मिलता था और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो अलग से अनाज मिलता था। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलता था उसके लिए उनको 3 रुपये किलो चावल का दाम और 2 रुपये किलो गेहूं का दाम चुकाना होता था। तो अब क्या उस योजना को बंद कर दिया गया और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ये अलग नाम से जारी रहेगी और कुल 5 किलो अनाज पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा। तो इस पर भी भारत सरकार का 2 लाख करोड़ रुपया खर्च आएगा, लेकिन पहले कुल खर्च जो था वो 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपये का होता था। तो सरकार ने एक इस स्मार्ट मूव से वो एक बचत की है। तो कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी के फंडामेंटल्स जो हैं बुनियादी चीज़ें सुधर सकती हैं। तो अगर सुधरती हैं और सरकार उसके लिए प्रयास करती है सुधारने का 2024 की तैयारियों के लिए, तो उसका बड़ा फायदा आगे के चुनाव के उसको चुनाव की तैयारियों में जो राजनीतिक तैयारी होगी उसमें भी इस अर्थव्यवस्था में सुधार का उसको फायदा मिलेगा। तो ये तीन कुल मिलाकर के 2023 का जो वर्ष है वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के चुनाव अगले साल भी हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का चुनाव लोकसभा के साथ होता है और उसके बाद झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव होता है बारी बारी से, पहले महाराष्ट्र का, फिर हरियाणा का, फिर झारखंड का। तो इन 5 राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में और उसकी प्रतीक्षा में ये वर्ष बीतना है। 2023 पूरे साल राजनीति ऐसी चलेगी जिसका मकसद 2024 के चुनाव को साधना होगा। आर्थिक गतिविधियां इस तरह से चलेगी जिसका मकसद 2024 की राजनीति को साधना होगा। डिप्लोमेटिक गतिविधियां ऐसी होंगी जिसका लक्ष्य 2024 का चुनाव होगा। और हैरानी नहीं होगी कि अगर सामरिक स्थितियां भी उसी हिसाब से साधी गई या उसी हिसाब से सामरिक नीतियां भी बनी और काम की गई, क्या सामरिक नीति भी बनी और उस पर अमल किया गया, वो भी 2024 के हिसाब से होगा। तो 2023 का वर्ष 2024 के चुनावी वर्ष की प्रतीक्षा और तैयारियों में बीतने वाला है। धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।